सीरियल नामकरण में आज नील आ पहुंचे हैं अवनी की अनजान राह के पास। जी हाँ, दरअसल ऑर्फन एज में रहने वाला एक बच्चा जा टकराता है नील से और नील उसे वापस उसके घर छोड़ने आए हैं, जहाँ ऑर्फन एज की साज सजावट देख नील को होता है कुछ अलग सा एहसास। लेकिन अपने इस एहसास को इग्नोर कर नील बच्चे से करते हैं सवाल और फिर वो बच्चे की दी से मिलने का कर रहे हैं इंतजार। वैसे नील इस बात से बिल्कुल अनजान है कि बच्चे की वो दी कोई और नहीं बल्कि अवनी ही है। टाइगर, ये बाकी लोग हैं। पता है मुझे तुम्हारी जान भी पीने बिना मेरी सब कुछ। भाई नील, कहने को तो आपकी और अवनी की राह बदल चुकी है, लेकिन ये कौन सा एहसास है जो अनजाने में ही सही आपको आपकी अवनी के पास ले आया है? एग्जैक्टली जो कामिक कनेक्शन मैंने आपको कहा था अभी कि अवनी के साथ एक कामिक कनेक्शन है मेरा, कोई भी हवाएं चलती हैं या कुछ भी होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि अवनी मेरे सामने आके खड़ी हो चुकी है। बट असल में ऐसा नहीं है। अवनी का एक ड्रास्टिक चेंज है अपने लुक में और सारी चीज़ में, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि अवनी की जो प्रेजेंस, आई कैन एक्चुअली फील दैट प्रेजेंस। तो या हाँ, वो एक ऑर्फनेज में वर्क कर रही है और मैं किसी और सिलसिले में यहाँ पे आ गया। नील, आपके फैंस को कब तक इंतजार करना पड़ेगा आपके और अवनी के मिलने का और एक बार फिर से साथ देखने का? ऑर्फनेज है, हिट एंड मिसेस चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि इतनी जल्दी थोड़ा तरसाएंगे, थोड़ा तरपाएंगे ऑडियंस को, इतनी जल्दी नहीं मिलाएंगे अब नील को, तो आई थिंक थोड़ा सा वक्त लगेगा, बट स्लोली स्टडीली देखते हैं क्या होता है। नील, आपको ऑर्फनेज में आना लगता है भारी पड़ गया बच्चों से इतनी मार खाने के बाद, कैसा लग रहा है आपको? हाँ, उन्हें ये लग रहा है कि मैं किडनैपर हूँ, क्योंकि उनके जो ऑर्फनेज में ना, जैसे मिस्टर इंडिया में कैसे गुंडे आ जाते थे ऑर्फनेज में, वैसे थोड़ा बहुत सा ट्रैक है कि कुछ गुंडे आते हैं, वो ऑर्फनेज तोड़ने की कोशिश करते हैं, चीजें फेंकने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें लगता है कि आई एम वन ऑफ दैट यू नो गुंडा गुंडा। वो कहते हैं ना कि प्यार और जंग में तो सब जायज होता है, तो ये छोटी मोटी चोट भला क्या चीज है? हम तो बस यही कहेंगे कि आप अपने दिल की सुनने में देर मत कीजिए, जैसा आपका दिल कहे बस वैसा ही कीजिए। मुंबई से सारा खान, E24।